वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम पी देसी राइडर ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो गाइस चलते हैं ब्लॉग शूट करने। आई होप ब्लॉग भाई बीच में बंद ना हो, क्योंकि ब्लॉग बंद हो जाता है। मैं देखता हूँ मेरी कॉल और आ जाता है गाइस, क्योंकि अभी फ़ोन से हम लोग का ब्लॉग चल रहा है। रेड सिग्नल है, वेट किया जाए, रुको। गाइस अभी नौकर जा रहे हैं आरसी के शोरूम में, और भाई का क्लच वायर वायर का काम बचा काम है। तो वही सब काम कराना है गाइस। ये आरसी भगाने लगेगा ना भाई, बाइक भक्ति नहीं गाइस, तो फिर दिखाते कैसे भगाते हम लोग। पीछे का मेन गार्ड लगा दिया बंदा ना, तो भाई अच्छा गाड़ी दिखती है यार आरसी का। मैं भी आरसी लगा दूं क्या पीछे वाला जो ये रहता है, हेलमेट का मिरर बंद करते हैं गाइस, क्योंकि फिर समझे आप लोग क्या सीन रहता है। जानवर रोड में घूमते आरती गई कहाँ पीछे आ रही शायद। गाइस आप लोग को ब्लॉग क्या बोलते हैं आप लोग को, हाँ बनारस वाला ब्लॉग देखना होगा, बनारस का टूर। तो वन के सब्सक्राइबर करो फटाक से, जहाँ वन के हो गए तुम्हारे भाई के तो लिख दूंगा बनारस। सोच रहा हूँ बनारस का एक ब्लॉग किया जाए गाइस, ब्लॉग एक टूर मारा जाए। क्या है अभी बजट नहीं बन पा रहा गाइस, बजट के कारण थोड़ा हम लोग नहीं जा पा रहे बनारस। लिख देंगे तो लिख देंगे समथिंग, पाँच छः लोग तो जाएंगे जाएंगे। कैसा सीन होता है गाइस, आरस में ये है कि दिखती नहीं, दिखता नहीं कितने गियर पे चल रही गाड़ी ना गाइस, नहीं तो फिर ज़्यादा तीन गियर से ऊपर नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं तीन गियर से ऊपर ज़्यादा होगा। बस आरसी के शोरूम में पहुंचने वाले हैं, बस छोटी सी राइड करेंगे, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं करी हम लोग का। गैप तो दो क्या शोरूम कार और लेने का मैंने क्या उपर होगा, अरे बड़ी पार्टी कुछ भी कर सकती है गाइस। तो
गाइस आ चुके हैं नौगढ़ और बस थोड़ा सा ये आ गया अपने आरसी के शोरूम पे। आरसी का शोरूम खुला है, भाई ने कॉल करके पता कर लिया था। इधर साइड में लगाते हैं आरएस, क्योंकि आरएस का सर्विस नहीं होना है, आरसी का सर्विस होना है। करते हैं फिर देखते हैं कैसे नता है आरसी के सबों को। भाई कितनी आरसी पड़ी है एक्सीडेंटल। सो गाइस कलच वायर का काम चला लगा के टांग देके कुर्सी पे रख दो आ जाएगा पूरा, कुर्सी पे कर दो या सही पे रख दो कूलर पे पूरा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ गाइस, देखो क्वालिटी तुम्हारा घटिया। आरसी का चेंज हो गया है, क्लच वायर उधर पड़ा है, ब्रेक ऑयल और एक्सीलेटर वायर ख़राब हो गया था तो चेंज हो गया है। और अभी अभी आरएस लेके निकलते हैं गाइस और हेलमेट उठाते हैं अपना, इधर से चलते हैं घर, मिलते हैं किसी नब्ला, चलते हैं घर को देखते हैं। चलो चलते हैं तुम्हारे भाई की आरएस है यार से लिखनते घर। संडे का कुछ राइड का प्लान नहीं था गाइस, लेकिन थोड़ा भाई को काम करना था आरसी का तो बोला कॉल किया भाई ने किया था चलो राइड पे, फिर चल दिए हम लोग। आप लोग को ब्लॉग देखना होगा गाइस तो मैं बता दूं, मेरे पास पैसा सब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, इसमें मेरे पास खर्चा नहीं है गाइस पेट्रोल वगैरह। ये आरसी का इसका लुक और ये सबका देख रहे हो आरसी का। आवाज क्या रहे बताना गाइस कैसा आवाज आता है आप लोगों को। नॉर्मल राइड है चल रहा है अभी टाइम पे यार, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है प्लान। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग गाइस कमेंट करते हो कि बनारस का आप प्लान बनाओ तो फिर हम देखते हैं बनारस के मामले में क्या बोल सकते हैं। तीन का प्लान है भाई देख रहे हो, आरसी भगा रहा बंदा ऐसा है गाइस कि जब मैं भगाने लगूंगा ना तो फिर हो गया, तो अभी 90 प्लस भगा रहा हूँ यार। भाई देख रहे हो नौगढ़ से यार कचनी आने में टाइम नहीं लगता।
फटना जा भाई यार रोड में, घर बस आना था। देख रहा भाई क्या कॉर्निंग मारा था, हमको सटा रहा था भाई, इतना क्लोज ले गया ना, मैं अभी सड़ गया होता भाई, सच्ची बता रहा। इस गाड़ी में भी ऐसा लगे ना कि मेरे में भी इसमें बिना डेवियस गाड़ी है भाई, बुला रहा पास, लेकिन वहाँ जाओ इधर का रोड ही सही नहीं है, रोड पूरा ऊपर था बड़ा, गलती से ऊपर नीचे टायर होगा तो बदले से गिरेंगे, ले जाएगा लंका। ज़्यादा लंबा आज का ब्लॉग है नहीं गाइस, और ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा हो आप लोग को, मेरे को इतना पता है, बट कोशिश करूँगा मज़ा देने के लिए आप लोग। अरे यार रखना मेरे तो घर पे ये सब लगा, कितना भी लो ब्लॉग करते हैं एंड गाइस, अब किसी नया ब्लॉग और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब गाड़ी करते हैं अंदर, अब क्या तो ठीक है।